विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से मुख्यमंत्री की मुलाकात, और इसमें विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से विधानसभा सत्र को थोड़ा और बढ़ाने का आग्रह किया है। ऐसे में सीएम रावत ने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सत्र होली के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने भी साफ तौर पर यह कहा कि सरकार को अगर जरूरत महसूस होगी तो सत्र को बढ़ाया जा सकता है। उनके अनुसार मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने अपनी बात रखी है और सरकार इस पर फैसला ले। सर एक मिनट सर, क्योंकि आगे होली है और ये सवाल आया था कि होली है तो हमने कहा ठीक है इसको करते हैं और आवश्यकता पड़ी तो उसको होली के बाद भी चलाया जा सकता है। अभी फिलहाल हम चाहते थे पहले कि ये पहली तारीख से ये सत्र हमारा हो तो फिर हमको 6-7 दिन का टाइम मिल जा रहा था, लेकिन पहली तारीख से ही अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ये ऋषिकेश में प्रारंभ हो रहा है, उसमें हमारे अनेक अतिथि उसमें आएंगे तो इस वजह से फिर उसको 2 तारीख हमको करना पड़ा। बजट सत्र गैरसैंण में 3 मार्च से शुरू हो रहा है और अभी तक जो कार्यक्रम है वो 3 मार्च से 7 मार्च तक का है, तो चूंकि बजट सत्र है स्वाभाविक रूप से ये सत्र थोड़ा सा अपेक्षा की जाती है थोड़ा बड़ा होगा और मांग भी हो रही थी, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की है और उन्होंने स्वीकार किया कि इसको हम थोड़ा सा आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ा सकते हैं, और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस बात को इसके महत्ता को समझा।